13 का रियासी हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है। इसमें ये है कि टेक्निकल जो भी आपका कंस्ट्रक्शन के टाइम थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को, ये है क्या है सर? इसके हाईवे है या कोई तालाब है? नहीं नहीं सर, ये नेशनल हाईवे है। अलग इस पर तालाब ही रहा, जब भी बारिश होती है तो ये तालाब का ही रुख ले लेता है। आज की डेट में आपको छोटा सा दरिया भी दिख रहा होगा, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जिसमें कि बसेस वगैरह कारें वगैरह फंस जाती हैं। अभी तो ये है कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बस पलटी नहीं है जो आप दिखा रहे हो, नहीं तो ये सामने स्कूल है, यहाँ पे बहुत बड़ा मोहल्ला है, लोग रहते हैं, इनकी कनेक्टिविटी आने जाने का रास्ता, सामने की बसें सारे देखो स्कूल की बसें ब्लॉक हो गई हैं, तो बच्चों की एजुकेशन तो सफ़र कर रही है। लोकल बंदा कोई बीमार हो जाए आएगा कैसे, फैमिली कैसे लेके जाएगा, तो मर गया वहीं पर, तो ऑप्शन नहीं है। और ये है कि ये कोई गली की सड़क नहीं है, ये नेशनल हाईवे है जिसका आप टोल कलेक्ट करते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है। तो ये मैं इवन नॉट ओनली LG एटलीस्ट हमारे जो यहाँ के MP हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि सर देखो ये आप देख सकते हैं कि पानी की लहरों की तरह चल रहा है, कि भाई दरिया से कम तो नहीं लग रहा, तालाब में फिर पानी रुका होता है, इट इज़ फ्लोइंग लाइक, मतलब जैसे आप गाड़ी निकलते से उसकी तरह निकल रही है। तो मेरा आपसे ये दरख्वास्त है कि हर बार जब भी बारिश पड़ती है यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीडिया वाले पर्सनल नहीं आए, आप हर बार आए होंगे क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी पलटी होती है। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? इसको कम से कम 2 साल हो गए। आप नेता हैं वो ये कहते हैं कि जब बारिश होती है तो इस रोड को यूज़ मत करें, आपको लगता है कि इसको रोड को छोड़ सकते हैं हम लोग? सर इस रोड को यूज़ ना करें तो सर मैं अब जा तो हवाई जहाज़ के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है, मेरे को पठानकोट जाना, वहाँ पे मैं क्या यहाँ से हेलीकॉप्टर उठाऊंगा? ये तो नेशनल हाईवे है ना, पता होता है पानी भरा हो तो क्यों जाते हैं? हाँ वो कहते हैं कि लोगों को जब पता कि पानी भरा है तो क्यों निकलते हैं आपसे? अच्छा जब पानी भरा है तो क्यों निकलते हैं? तो मतलब मैं पीछे रुक जाऊँ, मतलब जब तक बारिश बंद नहीं होगी पानी निकलेगा आपके बंदे नहीं आएंगे तब मैं पीछे गाड़ी रोक दूंगा? ये आप बड़ी अजीब सी बात बोली है, अपने नेशनल हाईवे है, इसका तो टाइम टू टाइम छोड़ी भी चीज़ होती है, मेंटेनेंस करना उनका काम है। ये तो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब ये टेक्निकल इशू है जिसको उनको बड़े सीवियरली, ये वो चीज़ नहीं है कि बोलूँ कि सड़क टूटी हुई है या इसमें जंप्स हैं जिसमें रोड को ठीक करना है, ये मौत का मंजर है सर। जैसे पब्लिक में मेरा घर बिल्कुल सामने, हम अपने कैमरे से हर बार देखते रहते हैं, हमको विजुअल मिलता रहता है कि हम बस जिस दिन बारिश पड़ती है हम बस ये देखते हैं आज कौन गिरा कल कौन गिरा, हमको बस ये रहता है। काफी लोगों को पता है, जो लोकल्स हैं उनको तो पता है, तो लोकल्स को पता है, हम तो अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। जैसे जो लोग बाहर के ट्रक है बस है, क्योंकि अब मेरे को ये डर है कि टूरिस्ट आते हैं, मेरे को ये डर है कि जिस दिन कोई कार गिरी ना सर, बस गिरती है ट्रक गिरती है पलटती है, हम बंदे को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी दिन अगर कार गिरी वो फैमिली नहीं बचेगी। ये इतना डीप सा वो अपने नाला बनाया, इतना लंबा, वहाँ से स्ट्रेच स्टार्ट होता है यहाँ तक है, जिस दिन को कार ने ओवरटेक करते हुए अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल रोड साइड नाले में उसका टायर फंसा, वो फैमिली नहीं बचेगी फॉर श्योर। तो उस टाइम ये क्या बोलेंगे, किसकी अथॉरिटी थी? पीछे रुक जाना था, इनकी गलती है, इनको पता था बारिश से पीछे रुक जाते, उनको कैसे पता चलेगा? तो ये तो जब हम इतनी बार दरख्वास्त लगा चुके हैं आपके माध्यम से, इनके हर चीज़ इनको मालूम है, इवन आई डोंट